राम गोपाल वर्मा ने सलमान खान को दी सलाह। उन्होंने एक्टर को बताया कि आखिर कैसे उन्हें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को करना चाहिए टैकल। राम गोपाल वर्मा ने कहा, सलमान को बिश्नोई गैंग की तरफ से मिल रहे डेथ थ्रेट्स का देना चाहिए जोरदार जवाब। लेकिन क्या सलमान खान फिल्म मेकर की दी हुई इस एडवाइस को मानेंगे? वेल, ये तो सब जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से लगातार सलमान खान को धमकियां मिल रही है। सलमान से जुड़े लोगों को भी उन्होंने डेथ थ्रेट्स भेजी है, जिसमें सलमान के फादर वेटरन सलीम खान भी शामिल है। यही नहीं, रिसेंटली सलमान के करीबी और अच्छे दोस्त बाबा सिद्दीकी को मुंबई में मौत के घाट उतार दिया गया और फिर इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली, ये कहते हुए कि क्योंकि सलमान के साथ बाबा सिद्दीकी का कनेक्शन था, इसलिए उन्हें किया गया टारगेट। इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद जहां सलमान खान की सिक्योरिटी को लेकर मुंबई पुलिस एकदम चौकन्नी है, वहीं अब फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने सलमान को सलाह दी है कि वो लॉरेंस के धमकियों पर पलटवार करे। राम गोपाल वर्मा का कहना है कि सलमान को सुपर काउंटर थ्रेट के साथ इसका जवाब देना चाहिए। जी हाँ, फिल्म मेकर ने ये बातें अपने ट्वीट में कही है। उन्होंने एक्स पर लिखा, आई विश बीइंग सलमान खान विल गिव अ सुपर काउंटर थ्रेट टू बी और अदरवाइज इट विल लुक लाइक अ कावर्डाइज ऑफ द टाइगर स्टार। एसके ओज इट टू हिज फैंस टू राइज अप एज द बिगेस्ट सुपर हीरो इन कंपैरिजन टू बी। अब राम गोपाल वर्मा की इन बातों को सलमान पर क्या असर होता है, ये तो वही जाने। लेकिन हाँ, इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जरूर अपना रिएक्शन दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि आरजीवी सिर्फ आग में घी डाल रहे हैं, तो दूसरों का कहना है कि दबंग सलमान को इस सिचुएशन का सामना टाइगर की तरह करना चाहिए। एक यूजर ने कमेंट किया, Why should Salman Khan give a bigger threat? You guys don't have any trust in the law and order? Rather, you should use your voice and reach to pressurize the government mechanism to imprison the threatener and ensure suitable punishment for him. This isn't a Bollywood movie that a threat by a criminal has to get a counter threat. Ek dusre netizen ne kaha, I hope he responds like a tiger. Ek aur user ka reaction aaya. Don't push buttons, sir. Just to see a movie action scene in real life. We can understand where this tweet is heading to and in which direction. We trust Salman Bhaijaan and believe that he will handle this case in the best way possible. अब देखना होगा क्या सलमान खान माफी मांगने या आरजीवी के कहने के मुताबिक लॉरेंस गैंग को देंगे करारा जवाब या फिर सलमान का है कोई और प्लान।